आदरणीय मंच वाल्मीकि समाज के समस्त योद्धा क्रांतिकारी साथी और हमारे आदरणीय दशमत्र नामदेव जी के नेतृत्व के अंदर वाल्मीकि समाज के आज भारत वर्ष के हर क्षेत्र से पहुंचे हुए मेरे जवान वाल्मीकि साथियों, तमाम मौजूद साथी एक क्रांति लेके, एक जज्बा लेके, एक संघर्ष लेके, एक आंदोलन लेके आज जंतर मंत्र पे पहुंचे हैं, क्योंकि देश की आजादी के बाद भी आज तक भारत के अंदर चाहे कोई भी सरकार आई, चाहे वो बीजेपी की सरकार आई, चाहे वो कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन सफाई कामगार समाज का भला आज तक किसी ने नहीं किया साथियों। आज तक जितने भी प्रधानमंत्री है, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो बीजेपी के हो, लेकिन वाल्मीकि सफाई कामगार का वो श्रमिक है, हमारा वो सिपाही है, उस सिपाही के लिए मूलभूत सुविधाएं, उस सिपाही के लिए जीवन भूमि के अधिकार, उस सफाई कर्मचारी के लिए कोई भी विशेष सुविधाएं आज तक सरकार ने नहीं दी। सीवरेज की स्थिति है, हमारी भाइयों की हत्या हो रही है, ये आज से नहीं हो रही है, आगरा बहुत लंबा है। इन सीवरेज की जो हत्या हो रही है वो जान बूझ कर सरकार कर रही है, क्योंकि वो कोई भी सरकार हमारे सफाई कर्मचारी भाई को कोई फैसिलिटी, कोई सुविधा, कोई उपकरण उपलब्ध नहीं करवाती जिससे कि उसकी जान बच के। अभी कल नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से नाटक किया सफाई कर्मचारी के पांव को, यदि वाल्मीकि समाज का इतना ही बड़ा उद्देश्य हो आप नरेंद्र मोदी जी, यदि सफाई कामगार समाज के आप इतना बड़ा उद्देश्य हो, तो आपको इस सफाई कामगार समाज के बारे में सोचना चाहिए, कोई विशेष सुविधा देनी चाहिए। लेकिन केवल मात्र लोकतंत्र की है, लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए वाल्मीकि समाज को बेवकूफ बनाने के लिए। और एक बात सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी के और बीजेपी के वो नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो उप प्रधानमंत्री है, चाहे पक्ष में बैठे हैं या विपक्ष में बैठे हैं, वाल्मीकि समाज अशिक्षित है, आपकी रुचि कमजोर है, और आपको एक रात इंदौरी के शेर के माध्यम से एक बात आपको आगाज करा दूं, अपनी गली में तो सब्र मेरा, अपनी गली में तो सब्र मेरा, अभी यह बालक भरा नहीं हूं, तो मुझको मुर्दा समझ रहा है, मैं अभी मरा नहीं हूं। तू कहता है, तू कहता है कि मिटा के रख दूंगा अस्थि तेरी, तू कहता है कि मिटा के रख दूंगा अस्थि तेरी, है तेरी फितरत गया रहा है, है मेरी आदत गया नहीं हूं। तो मेरे नौजवान साथी माता बहने और जितने मंच में साथी बैठे हैं, क्योंकि सुनने की कमी है, उत्तरी केंद्र आ बहुत है, लेकिन हमें सुनना है हमारे दिल्ली दशरथ रावण जी को, और आगे भी ये लड़ाई कोई एक दिन की नहीं है, यही तक खत्म नहीं हो जाएगी, ये लड़ाई लंबी चलेगी, उस लंबी लड़ाई चलने के लिए हमें अपनी आहुति देनी पड़ेगी, चाहे वो पुराणों की आहुति हो। उत्तरी गंगा क्रांतिकारी जय भीम।